लेवल अप एरा आपको पहले से एक स्टेप ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। ये कम्प्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। आपका बिहेव, आपका लुक, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका लाइफ को जीने का तरीका, सब कुछ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यानी पूरी तरह आपका ट्रांसफॉर्म अगर आप करना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है आपने। ये अनप्रोडक्टिव फील करना, ओवरथिंक करना, लेजी फील करना या फिर स्टक अगर आप फील करते हैं तो यहाँ से सीधा आप कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और एकदम खुश मिजाज पर्सन बन सकते हैं। और इसके क्या सीक्रेट्स हैं वो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा और यही सीक्रेट्स आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने में हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन रखो ताकि आपको हमेशा मोटिवेट और प्रोडक्टिव रहने में ये वीडियोस हमेशा आपके साथ हो। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है प्रोडक्टिव रहना। भाई यही वो टाइम है जिसमें आपको अपने आप को लेजी बनाना छोड़ना होगा। वो चीज जो आप सोच रहे हो कि यार मैं ये नहीं कर सकता, वो सब साइड करके आपको सिर्फ अपने आप को फोकस करना होगा। अपने आपको ये बात एक्सेप्ट करवानी होगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको कौन कौन से काम डन करने हैं। अब ये होगा कैसे, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें हैं, बस आप करने वाले बनो। तो इसी चीज में सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। यानी पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी जो चीजें हैं वो टाइम कितना लेती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो उसे सीखने की क्लास कितनी देर की होती है, और अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने में कितना टाइम आपको लगता है या उसे पढ़ने में आप कितना टाइम देते हैं। और फिर आप रनिंग पर जाते हो, आप खाना पीना खाते हो तो उसमें कितना टाइम लगता है। हर चीज का आपको एक टाइम मैनेज करना होगा, एक चार्ट तैयार करना होगा। और फिर इसी चीज में एक चीज और ऐड करो कि आपका जो वर्किंग आवर है, चाहे आप ऑफिस में हैं या फिर घर से आप कुछ कर रहे हैं, मतलब जो आप सीरियसली कर रहे हो उसमें आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यानी आपको सिर्फ अपनी चीज करनी है उस टाइम में, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। यानी कि जब आप अपना काम कर रहे हो तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए घंटों तक बैठे हो, लेकिन बस कुछ देर सीरियसली आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और फिर इसी चीज में आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको अपनी बाकी चीजों को टाइम देना है। यानी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो या फिर लेजी फील कर रहे हो या फिर आप अपने ऑफिस का काम वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका एक पर्सनल टाइम भी है। यानी ये जो 6 घंटे का आपने काम किया है ना, उसके बाद की जो लाइफ है वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें आप अपनी चीजों पर ध्यान दोगे। और फिर ये जो हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसी चीज में आपको एक चीज और ऐड करनी है कि अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ ना आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जैसे आप ना जो भी आपको काम करना है उसके टास्क लिख सकते हैं कि आपको कब क्या काम करना है, और इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं कि पहले कौन सी चीज करूंगा और बाद में कौन सी चीज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है लर्निंग। हम ना यार कई बार सीखना या फिर कुछ लर्न करना कम कर देते हैं। हम स्कूल कॉलेज पास कर लेते हैं और उसके बाद हम ना किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते, हम बिजी हो जाते हैं, कुछ लोगों की शादी हो जाती है या फिर कोई बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है तो लर्न करना एकदम से छूट जाता है या फिर वो इतनी चीजें नहीं सीखते। लेकिन लर्निंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ और भी करना है तो हमें कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा। आपको सीखते तो रहना होगा, लेकिन अगर आपको कुछ आता है तो उसे और बेहतर बनाना होगा। जैसे आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आता है तो उसके ना शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। आप ये देखो कि आप एक ही काम को धीरे धीरे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। नई नई हॉबीज पर काम करना, नई हॉबी सीखना, यह आपको ग्रो करवाता है। आप उन वीडियोस की, उन एप्स की लिस्ट बना सकते हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करती है, वो यानी कि आप अपने पास रख सकते हैं। और फिर आता है कि आपको ना अपने फाइनेंस सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। फाइनेंस सिस्टम का सिंपल सा गोल है कि इनकम ट्रैक करना, खर्चे देखना और सेविंग करना कुछ गोल्स के लिए या फिर इन्वेस्ट करना। यानी इसमें ना आपको पहले अपने खर्चों को मैनेज करना है जिससे आप सेविंग कर सकेंगे और उसे अपने गोल्स के लिए रख सकेंगे। और फिर आता है कि आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा। आप हेल्थ पर ध्यान ना देकर अपने आप को इग्नोर करते जाते हो तो इससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं या फिर आप अपने गोल से हटने लगते हैं, आप अच्छा फील नहीं करते। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको क्या खाना है, आपको स्ट्रेस ना लेकर अपना वर्क करना है, आपको खुद पर ध्यान देना है तो इससे आप खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। एक्सरसाइज करना, अपना एक रूटीन रखना, ये चीज़ आपको हेल्दी बनाती है। इसके बाद है इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना। यानी आप किन बातों की ओवरथिंकिंग करते हैं और आप क्या बातें किसी से शेयर करके ठीक कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी की बात से हर्ट हुए और फिर आपने अपने ऊपर ही ध्यान देना बंद कर दिया, आपने आज का रूटीन फॉलो ही नहीं किया। अब इसमें यार देखो, बुरा लग सकता है, आपको ये भी लग सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये एक पॉजिटिव चीज है, यानी ये एक पॉजिटिव साइन है। आपको खुद को टाइम देना चाहिए, लेकिन टाइम देने के बाद आपको ये भी सोचना चाहिए कि मुझे अपनी चीजों पर अब ध्यान देना है। अब उस चीज को बाद में देखेंगे जो चीज हर्ट कर रही थी, लेकिन अभी जो आगे वाला काम है पहले वो कर लेते हैं। इससे आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। और फिर आता है सोशल सर्कल मायने रखता है। यानी आपके ही लोग आपको मोटिवेट करते हैं और आपको उनकी ही बातें कई बार चुभ जाती है, तो आपको अपना सर्कल सही लोगों के आसपास रखना चाहिए।
कुछ आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनके साथ आप जैसी मर्जी हंसी मजाक कर सकते हैं। और एक आपका वो सर्कल भी होता है जिनसे आप कभी मिले नहीं, लेकिन आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए कि किसी आप देखना चाहते हैं, किसको आप फॉलो करना चाहते हैं, यानी किसे आप सोशल सर्कल में इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और दोस्तों फिर आता है कि आपको अपने आप को डिजिटल तरीके से भी इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ ऑफलाइन खुद को बेटर दिखा रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन किसी को कुछ भी बोल देते हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोज देखते हैं जो एक्चुअल में आपको इम्प्रूव करने की बजाय आपके बिहेव को रूड कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट पर चल रही ऐसी वैसी बातों को आप रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपको परफेक्ट नहीं कर रही, या फिर आपके माइंडसेट को इम्प्रूव नहीं कर रही। तो ये चीज ना करके आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। डिजिटली भी आपको अपने आसपास की चीजों को चेंज करना चाहिए। आप क्या जानना सीखना चाहते हैं उस पर आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि यार हम ऑनलाइन रहते हैं, हम नई नई चीजें देखते रहते हैं, तो जाहिर है कि आपकी जो फीड है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको इम्प्रूव करने में मदद करे, आपको एंटरटेन करे, लेकिन एक अच्छे तरीके से आपके बिहेव को बनाए रखे। तो भाई आज हमने सीखा कि प्रोडक्टिव बनने पर ध्यान देना है, लर्निंग करनी है, फाइनेंस पर फोकस करना है, उसे मैनेज करना है, हेल्थ पर ध्यान देना है, इमोशंस आपके मायने रखते हैं, सोशल सर्कल आपको इम्प्रूव करता है, और डिजिटली भी आपको खुद को इम्प्रूव करना होता है। ये सभी चीजें आप 6 महीने करने की कोशिश कीजिए, आपको ऑलरेडी पॉजिटिव चेंजेस नजर आने लगेंगे और आप खुद को बेहतर बनाने की हैबिट में लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।